हेलो गाइस वेलकम बैक वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग चलो आज के व्लॉग को मैं शुरू कर रही हूँ कल जो व्लॉग मैं ख़त्म की थी ना इसमें ये भी एक पार्ट थी इसलिए आपने शायद इंट्रोडक्शन में देखे होंगे बट लास्ट में वो मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये व्लॉग पोस्ट कर देती हूँ तो मम्मी पापा कल आए थे मैं जब आई उससे पहले आ गए थे ठीक है पर वो लोग छोटे वाले कमरे में सो रहे थे इसीलिए मैंने उनको बॉर्डर नहीं किया और फिर मैं सुबह तो नहीं उठ पाई आज क्योंकि मैं सोते सोते काफी लेट हो गई थी ऑलमोस्ट इट मॉर्निंग तो मैं दोपहर को ही उठी हूँ पर उठने के बाद मुझे चाय पीने के लिए मन होता है आदत ही बन गई है और जब भी कोई चीज ऐसे आदत बन जाती है ना उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ आज तो मम्मी चाय बनाई है तो आज मैं पी रही हूँ वैसे तो सुबह चाय पीती हूँ मैं घर पे रहने से दो बार भी कभी कभी शाम को सुबह दो बार चाय पी लेती हूँ और मम्मी इतनी अच्छी बनाई थी चाय सुबह जो उठी हूँ ना मेरे पूरे फेस इतना ड्राई हो रखा है

मैं देखती हूँ कि आप लोग बोलते हो ट्रेटिनोइन वाली वीडियो बनाओ अब क्या है ना कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करते हो और ट्रेटिनोइन क्या है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल सिरम लाइक नाइसनोमाइट सिरम और हेलोरॉनिक एसिड यू नो ये एक मेडिसिन है और मैं मेरे दोस्त को पूछ रही थी जिन्होंने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही ट्रेटिनॉइन यूज़ किए हैं कि मैं बोल रही थी कि आपको ये जो पीलिंग हो रही है ना स्किन पील हो रही है ये कितने दिन तक होगी बताए उन्होंने क्या बोला ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स और मैं सुन के शौक हो गए हम लाइक वट अभी मुझे दो महीने हुए हैं और अभी तक स्किन पील हो रही है और मेरे को ना जैसे जब से पीलिंग होती है ना स्किन बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है और थोड़े से स्किन सेंसिटिव भी हो जाता है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल धूप में निकलने से या मेकअप अप्लाई तो करनी ही नहीं चाहिए पर हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है सो इसीलिए आई एम टेकिंग टाइम क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये इतना पोटेंट मेडिसिन आप यूज़ कर लो और फिर कोई रिएक्शन हो जाए और मेरे स्किन जो है वो तो काफी रेजिस्टेंट भी है बहुत सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होती है उससे फिर भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप में से कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप वो एसिड टोनर खरीदे हो जो प्लम का है ना और वो अप्लाई करने से आपकी स्किन जो है जल रही है तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो और आपके स्किन जलते हैं ऐसे ना इट मीनस की वो इनग्रीडियंट आपके लिए नया है तो आपके स्किन को पता नहीं इसीलिए थोड़ी सेंसिटिव होती है और दूसरी हो सकती है कि आपके स्किन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं अब आपको ऐसे में क्या करना है अगर आप खरीदी लिए हो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्मॉल साइज़ में खरीदना क्योंकि आपको नहीं पता कि सूट होगी कि नहीं होगी आप ना कुछ दिन अप्लाई करना मे बी थ्री फोर डेज जैसे मैं भी सेरावी का जो मॉइस्चराइज़र खरीदी थी ना उसमें भी मुझे ऐसा हुआ था मुझे बर्निंग सेंसेशन होती थी बट यू नो वॉट मैं हमेशा ऐसे बड़ा साइज़ खरीद लेती हूँ आपको मना करती हूँ पर मैं खुद खरीद लेती हूँ एंड देन आई गॉट द बिगर साइज आई एम लाइक ओ माई गॉड नाउ वॉट टू डू फिर मैंने वो अप्लाई करती गई तीन चार दिन के बाद वो ना ठीक हो गया तो अगर आपको भी ऐसी हो रही कि तीन दिन के बाद ठीक हो जाती है देन इट इज फाइन जब भी कोई नए प्रोडक्ट यूज करते हैं है जो अभी आप पहले कभी यूज नहीं किए हो 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 तो तो उसमें ऐसे हो सकती है है तो आप उसको यूज़ करते जाना चार पांच दिन एक हफ्ते तक उसके बाद अगर वो ठीक जाती है, तो वेल एंड गुड और अगर एक हफ्ते तक यूज करने के बाद भी आपको सेम प्रॉब्लम होती है कि बर्निंग हो रही है या और कुछ रिएक्शन हो रही है तो यू शुड इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग इट और फिर मैं क्या करती हूँ कि उस प्रोडक्ट को बाकी के बॉडी पार्ट्स में यूज कर लेती हूँ जैसे आर्म्स में लेग्स में अंडर आर्म्स में एंड ऑल तो हाँ क्या ही करेंगे इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा स्मॉल साइज खरीदना कोई भी चीज़ों का बाद में फिर अगर सूट होती है तो बड़े साइज आप ले ही सकते हो चलो अभी मैं खाना बना रही हूँ वैसे तो खाना मुझे आती है बनानी पर अगर आप पूछो मुझे तो मैं बाकी के काम कर लूँगी खाना बनाने के लिए मैं बोलूँगी कि आप में से कोई बना देना एक तो मैं खुद इतनी लेजी हूँ खाने के लिए और अगर मुझे खुद से बना के खाना पड़े तब शायद मैं आधा दिन खाना ही ना खाऊं अब तो क्या है कि मम्मी सब कुछ अरेंज करके दी है और मम्मी लोगों को क्या होती है ना कि हर दिन बनाते हैं ना अपने हाथों के खा खा के ना वो थोड़े बोर हो जाते हैं तो कभी कभार उनको भी अच्छा लगता है कोई और बना दे तो एक अलग टेस्ट होती है इट सिम्स अकॉर्डिंग टू मॉम और ये देखो आलू मैं निकालना चाहती थी और एक तो नीचे गिर गया और एक ऑयल के अंदर फिर से गिर गया तो हाँ मम्मी जब भी मैं घर जाती हूँ और नहीं तो भी मम्मी भी आती है यहाँ पे तो फिर मम्मी अरेंज करके देती है बोलती है कि तुम बना दो बस तो आज मैं वही कर रही हूँ और ये तेज पत्ता है मुझे ना वो सूखी मिर्ची भी चाहिए थी पर ख़त्म हो गई है मम्मी हर बार जब भी आती है पापा भी मुझे तीन चार बार कॉल करते हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है पापा ही लेके आते हैं सब कुछ एक तो पापा बड़ा बाज़ार जाते हैं वहाँ से सारे मसाले एंड थिंग्स ही परचेज इन होल प्राइस तो दुकान के लिए जब लेके जाते हैं ना तो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ के जाते हैं और वो मेरे लिए इनाफ होती है फिर सब्जी वगैरह भी पापा घर से लेके आते हैं और हर दस दिन में तो एक बार आ ही जाते हैं मम्मी पापा तो मेरे को कुछ भी खरीदने का जरूरत ही नहीं होता एक्सेप्ट पेनी के लिए चिकन जो होती है वो भी पापा लेके आते हैं पर वो दस दिन तक नहीं रहता तो तीन चार दिन चलता है उसके बाद चिकन बस पेनी के लिए खरीदती हूँ पेनी को वेज खाना पसंद नहीं है कभी कभी मैंने कोशिश करा है सोयाबीन के साथ मतलब जस्ट टू मेक हर कि अच्छा वो चिकन है बदल उसको समझ आ जाती है पता है तो एक बार खा लेगी उसके बाद वो नहीं खाएगी फिर आप लोग भी बोलते हो कि जब उसको गैस होती है ना कभी वेज खिलाया करो तो मैंने कोशिश करा है पर वो खाएगी नहीं फिर इसलिए तो नहीं तो नहीं मतलब शाम को जो खाती है उसके बदले में मखाना दे देती हूँ नहीं तो कभी कबार सुबह भी मखाना दे देती हूँ मखाना हेल्प अलॉट मेरे को मखाना पसंद भी है बहुत ज्यादा और आप लोग बोलते भी हो कमेंट सेक्शन में वट चीज ईटिंग इन द मॉर्निंग और सुबह सुबह ना जब मैं बजे फ्लाइट के लिए निकलती हूँ ना उसका खाने का टाइम नहीं है वो साढ़े नौ बजे खाना खाती है पर चार बजे उठ जाएगी और फिर खाना मांगेगी अब उस समय खाना खिला दूँ फिर आंटी को भी आंटी आने से ऐसे करती है आंटी को परेशान कर देती है खाना देना ही पड़ेगा एक दिन क्या हुआ था कि सुबह उठ के खाना मांग रही थी तो मैं खाना दे के चली गई थी और मैं उसको बता के गई थी सुबह आंटी आने से मत पूछना अब आंटी को आके खाना मिला नहीं तो आंटी पता नहीं क्या सोची कि रात को दे दिए होंगे तो आंटी जल्दी जल्दी में खाना बनाई उसका और फिर से खाना खिलाई अब फिर उस दिन बहुत ज्यादा खाना खा ली एक बार सुबह चार बजे भी खाई है फिर डेढ़ बजे फिर, फिर शाम को फिर रात को तो इतना ज़्यादा हो गया कि नेक्स्ट डे खाना ही नहीं खाई फिर पूरा दिन और जब पूरा खाना स्किप करती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो ये करती है पता है चलो अभी ना सुबह मेरी स्टैंड बाई है और पहले होम स्टैंड बाई होती थी तो हम घर पर रहते थे पर आजकल एयरपोर्ट स्टैंड बाई होती है तो मुझे सुबह सुबह उठ के जाना पड़ेगा साढ़े चार बजे तो चार बजे कैब आ जाएगी मेरी और मम्मी पापा भी उसी समय निकल जाएंगे इसलिए हम जल्दी खाना खा के सोने जा रहे हैं आज की व्लॉग छोटी सी थी पर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि छोटी सी व्लॉग जो है आपको कैसी लगी आप अपना ध्यान रखिएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आपके साथ जल्दी बाय बाय टेक केयर